वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में देखेंगे। क्या टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। आज के दिन स्टॉक में क्लोजिंग देखने मिला 180 रुपये 20 पैसे के पास। अराउंड स्टॉक में 200 रुपये का लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक 2 बार ट्राई कर चुका हम लोग को 200 रुपये के लेवल के ऊपर निकलने का, लेकिन दोनों टाइम स्टॉक में नीचे की तरफ थोड़ा सा फॉल देखने मिल रहा, जो कि थोड़ा सा एम पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बोल सकते हैं। स्टिल नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है 150 रुपये का लेवल, तो जब तक स्टॉक 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, एक अच्छा खासा मूव, एक हाई राइट टाइप का मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्टॉक 150 रुपीज़ के नीचे निकलेगा, स्टॉक में चांसेस 125 से लेकर करीब अराउंड 100 रुपीज़ तक का भी लेवल फॉल दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है स्टॉक में तो एटलीस्ट 200 रुपये का ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि इस लेवल पे बाई कर सकते, नो डाउट एक मूव मिलने देखने मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ क्लियर कट अगर एक बार 200 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिले तो एक ज़बरदस्त कुछ इस तरीके का मूव ऊपर की तरफ बनते हुए देख सकता है। क्योंकि अगर स्टॉक का प्रीवियस अगर ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक मोमेंटम करता है, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, फिर ऊपर के लेवल पर रेंज बनते हुए दिख रहा, तो इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो कुछ इस तरीके का मूव हम लोग को फिर से ऊपर की तरफ बनते हुए देख सकता है, जो कि टारगेट निकल के आ सकता है शॉर्ट टर्म हिसाब से जो कि 250 रुपये तक का, और लॉन्ग टर्म हिसाब से स्टॉक हम लोग को 300 रुपये से ज़्यादा तक का ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।